Now let's come to the last stanza, the fourth stanza of this poem. आप देख रहे हैं पूजा भाटिया क्लासेस का यूट्यूब चैनल. Now Wordsworth कहता है, whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. Maiden का मतलब होता है young girl, यहाँ पे वो solitary reaper को maiden बोला गया है. अब क्योंकि poet उसकी song की theme पर नहीं पहुँच पा रहा, he is just making guesses. तो वो ये कहता है कि although वो थीम नहीं पता लगा पा रहा कि क्या रीज़न है उसके सैड सॉन्ग का, बट वो उसके सॉन्ग को इन्जॉय करता है. although उसे नहीं समझ आता सॉन्ग, उसका डायलॉग भी नहीं समझ आता, लेकिन फिर भी वो मेडन के सॉन्ग को इन्जॉय करता है. वो वहाँ पे खड़ा, वैली में खड़ा, उसके सॉन्ग को फुल अटेंशन से सुनता है और उसे इन्जॉय करता है. ही सेज व्हाटएवर द गर्ल इज सिंगिंग, वो जो भी गा रही है, ऐसा लगता है कि उसके सॉन्ग की कोई एंडिंग ही नहीं है, कि उसके सॉन्ग इतना ज़्यादा इन्जॉयबल है, इतना ज़्यादा मेलेडियस है कि उसके सॉन्ग की कोई एंडिंग ही नहीं है, कोई एंड नहीं है. नेक्स्ट द पोएट सेज, आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग. नाउ सिकल का मतलब होता है कोई एग्रीकल्चरल टूल. ये वो टूल है जिससे वो क्रॉप्स काट रही है, ग्रास काट रही है. तो यहाँ पे पोएट कहता है, मैंने उसे गाना गाते हुए सुना ओवर एट अ वर्क, जहाँ पे वो काम कर रही थी फील्ड्स में, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, मतलब कि वो बेंड कर रही है, झुकी हुई है, और एग्रीकल्चर का जो टूल है, जो उसके हाथ में एक टूल है जिससे कि वो क्रॉप्स काट रही है, ग्रास काट रही है, वो बेंड करके काट रही है. तो ये बस उसकी एक हमें इमेज लाने की कोशिश करी है पोएट ने, कि वो फील्ड में काम कर रही है, शी इज़ बेंडिंग, और वो क्रॉप्स काट रही है और साथ साथ में गाना गा रही है. और वहीं पे पोएट दूर खड़ा हुआ उसके सॉन्ग को बहुत ध्यान से सुन रहा है. नेक्स्ट ही सेज, आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल. मोशनलेस का मतलब है विदाउट मेकिंग एनी मूवमेंट, स्टिल का भी वही मतलब है, एकदम स्थिर होके. तो पोएट कहता है कि जब वो गाना गा रही थी, साथ साथ में अपना काम कर रही थी, मैं उसके गाने को बहुत ध्यान से सुन रहा था, मोशनलेस विदाउट मेकिंग एनी मूवमेंट एंड स्टिल, बिल्कुल स्थिर होके. अब इससे हमें ये पता लगता है कि वो मोशनलेस है, दैट मीन्स वो फुली कॉन्सेंट्रेट कर रहा है उसके सॉन्ग पर. ही इज़ वॉचिंग द सॉलिटरी रीपर, और उसके सॉन्ग को फुल अटेंशन से सुन रहा है, तभी वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, ही इज़ कम्प्लीटली मोशनलेस. नेक्स्ट वर्ड्स पर बोलता है, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल. माउंटेड का मतलब होता है क्लाइंब करना. अब पोएट को बहुत अच्छा लग रहा है सॉलिटरी रीपर का सॉन्ग, बट उसे आगे भी जाना है, वो पूरा दिन वहाँ पे खड़ा होके सॉन्ग नहीं सुन सकता. सो ही हैज़ टू गो, ऑल्दो उसका मन नहीं है, बट ही हैज़ टू मूव. तो वो चलना शुरू कर देते हैं क्लाइंब, क्योंकि वो हिल्स पे है, तो वो हिल क्लाइंब करना शुरू कर देता है. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टू लाइन्स ऑफ दिस पोएम. द पोएट सेज, The music in my heart I bore long after it was heard no more. Bore का मतलब होता है to be carried. जो song है solitary reaper का, अब वो अपने heart में carry करता हुआ जा रहा है. हमें जैसे कि पिछले line से पता लगा था कि the poet has to move on, वो आगे climb करना शुरू कर देता है. वो आगे काफ़ी जा चुका है, but still उसके heart में वो सॉन्ग अभी भी है. ही इज़ कैरिंग द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रीपर. वो सॉन्ग उसको इतना अच्छा लगता है, ऑल्दो वो काफ़ी दूर जा चुका है, बट अभी भी डीप डाउन उसके हार्ट में उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो सॉन्ग अभी भी सुन रहा है. लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, तो जब उसे वो सॉन्ग की आवाज़ नहीं भी आ रही होती, तब भी उसे लगता है कि वो सॉन्ग उसके हार्ट में है. ही कैन रिमेंबर द सॉन्ग. तो इससे हमें ये पता लगता है कि वो जो मेमोरी थी, ये एक इंसिडेंट जो था कि उसने सॉलिटरी रीपर को देखा, उसका सॉन्ग सुना, शी वॉज वर्किंग एट हर फील्ड, ये उसके लिए एक बहुत ही प्लेजेंट मेमोरी बन गई,
जो कि उसके दिल में समा गई और वो उसे एक अच्छी याद की तरह याद रखता है। और वो सॉन्ग इतना ज़्यादा मेलेडियस था कि उसे बहुत अच्छे से याद हो गया है और उसे लगता है कि एज इफ वो सॉन्ग उसके दिल में समा गया है। वो अभी भी उस सॉन्ग को सुन पा रहा है कि हालांकि जबकि वो काफ़ी आगे जा चुका है। सो द सॉन्ग रिमेन्स द डियर मेमोरी फॉर हिम, जबकि वो उस जगह से जा भी चुका है। यही थीम है इस पोएम की कि एक नॉर्मल इंसिडेंट भी, नॉर्मल इवेंट भी किस तरीके से स्पेशल बन जाता है एक ह्यूमन बीइंग की इमेजिनेशन से। वो एक नॉर्मल सॉन्ग था, एक नॉर्मल सी इवेंट थी। ही वॉज पासिंग बाय दैट प्लेस और उसको सॉलिट्री रीपर दिखती है, सॉन्ग उसका सुनता है और उससे वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है एंड इट बिकम्स अ डियर मेमरी फॉर हिम। उसके लिए एक बहुत प्लेजेंट मेमरी बन जाती है उसका सॉन्ग। सो दिस वॉज द होल समरी ऑफ द पोएम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू।